मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए दोस्तों आज मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किस तरह से किचन गार्डनिंग करता हूँ, इवन कि किस तरह से मेरी छत पर सब्जियाँ लगी हुई है उसकी आज दोस्तों एक छोटी सी हार्वेस्टिंग हो गई। दोस्तों यकीन मानिए इन्हें देख के आप भी काफ़ी उत्साहित होंगे, काफ़ी प्रफुल्लित होंगे और बहुत ही आनंदित लगती है दोस्तों जब इस तरह से छोटे छोटे सब्जियाँ जब हम अपने घर पर खुद से ग्रो करते हैं और इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं तो मुझे भी काफ़ी खुशी मिलती है। अगले इस वीडियो पर बने रहे दोस्तों, बहुत ही मज़े आने वाले हैं। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से हमारी इस ऑर्गेनिक ग्रीन गार्डन चैनल पर और आप बने हैं मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर। साथ में उम्मीद रखता हूं कि आप भी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा हार्वेस्टिंग मैच करने वाला हूं, जो कि जो फूल गोभी पत्ता गोभी जो हमने अपने घर पर जो खुद के प्लास्टिक की बोरी से जो ग्रो बैग बना करके हमने लगाया था, आज उसकी मैं आपको हार्वेस्टिंग करके दिखाऊंगा। और आप देखेंगे दोस्तों बहुत ही कम जगह में कितने सारे हम सब्जियों को ग्रो कर सकते हैं। आज की वीडियो में स्पेशल मैं हार्वेस्टिंग करूंगा, अगले इस वीडियो को दोस्तों आप बिना स्किप किए देखें। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये है ब्रोकली और बड़े साइज़ की ये फूल गोभी, जो कि रिसेंटली इसकी वीडियो हमने आपके साथ पहले ही शेयर किया हुआ था, शायद आपने देखे भी होंगे। और दोस्तों आप देख सकते हो कि फूल गोभी कितनी ही अच्छी सी हमारी हुई है और ऑर्गेनिक है दोस्तों, इसमें मैंने कोई भी रासायनिक खाद इसमें इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। और दोस्तों फूल गोभी जो है वो काफ़ी कम जगह में भी उग जाती है। इसकी जो ग्रो बैग है आप 12 इंच के गमले में भी लगा सकते हैं, 12 इंच की जो ग्रो बैग होती है उस पर भी आप लगा सकते हैं। मतलब फूल गोभी की जो जगह होती है वो काफ़ी कम जगह में हो जाती है। इसकी जो जड़ होती है, इसकी जो रूट होती है वो फाइब्रस रूट होती है, ज़मीन के अधिक गहराई तक नहीं जाती है, इसलिए इसे कम जगह में भी हम आसानी से उगा सकते हैं और अच्छी हेड भी बनती है, आप ये देख सकते हैं। तो चलिए हम इसे हार्वेस्ट करके आपको दिखाते हैं दोस्तों। और इस तरह से छोटे छोटे जगह में बहुत सारे हम फूल गोभी लगा सकते हैं। जब आप फूल गोभी जब आप लगाते हो तो आप बीच बीच में गैप बना करके लगें, जैसे कि आप 5 पौधे आप 2 दिन बाद लगाएं, 3 दिन बाद लगाएं, जिससे कि 2 से 3 पौधे आपके जो फूल गोभी होंगे वो तैयार होते जाएंगे, देन आप वहाँ से हार्वेस्टिंग करेंगे और अपने किचन में आप इसे यूज कर सकते हैं। मतलब आगे पीछे करके आप पौधे लगाते हैं तो आपको डेली बेस पे इस पर हार्वेस्टिंग मिलेंगे और इस तरह से आप अपने घर पर बड़ी ही आसानी से कुछ ऑर्गेनिक सब्जियां भी उगा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पत्ते जो पत्ता को भी आप देख सकते हैं, बहुत ही परफेक्ट साइज है, मार्केट की साइज जो होती है ये आप देख सकते हैं। और इसमें ज़्यादा खाद की इस्तेमाल भी नहीं करनी है, नॉर्मल जो हम गोबर की खाद देते हैं, गोबर की खाद की जो लिक्विड बनाते हैं और ये सरसों खली की जो लिक्विड होती है, इन वेजिटेबल सब्जियों के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलती है। कई सारी लिक्विड खाद हम अपने घर पर खुद से बना सकते हैं, कई सारे वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे खाद बनाने की कि किस तरह से आप लिक्विड खाद बना सकते हैं, गोबर की खाद को किस तरह से डिकम्पोज कर सकते हैं। और इस तरह से छोटे छोटे जगह में दोस्तों बहुत सारी सब्जियाँ हम लगा सकते हैं, जिस तरह से ये आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे और काफ़ी खुशी भी आपको मिलेगी जब इस तरह से आप अपने घर पर इस तरह से जब ऑर्गेनिक सब्जियां खुद से आप उगाते हैं और कम जगह में 10-12 ग्रो बैग आपके बाल के लिए भी आ जाएगी, जिन्हें आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से ये लगभग 2.5 से 3 महीने के अंदर में इस तरह से हमारे हार्वेस्टिंग मिलना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं, और कुछ अभी हमारी शिमला मिर्च भी है और आप देख सकते हैं कितने हार्वेस्टिंग हमें मिल चुकी है। अगर आगे पीछे करके हम लगाते हैं तो हमें डेली बेस पे 2-4 हार्वेस्टिंग मिलती ही रहेगी। यहाँ आप देख सकते हैं शिमला मिर्च की दोस्तों, अभी आप ने सोचे होंगे कि बहुत सारे ऐसे जहन में होते हैं लोगों की कि शिमला मिर्च हमारे यहाँ नहीं होंगे, बट दोस्तों मैं झारखंड से हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ भी हमारी शिमला मिर्च काफ़ी अच्छी होती है। बस शर्ते दोस्तों अगर आप इसकी पोटिंग मिक्स अच्छे से बना लेंगे तो आपको शिमला मिर्च भी काफ़ी अच्छी मिलती है। शिमला मिर्च की कई वीडियो हमारी बनी हुई है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, सॉइल आप इसकी किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, किस तरह की खाद आपको यूज करनी है, बहुत सारे डिटेल के साथ हमने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। सारी वीडियो में अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसकी लिंक मैं शेयर कर दूंगा, या आप देख सकते हैं। आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी शिमला मिर्च के काफ़ी डिटेल वीडियो देने वाला हूँ, इस पर और भी अच्छे से फ्रूटिंग लगेंगे तो अब मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा। ये आप देख सकते हैं बहुत ही हेल्दी फूल, और आगे भी चलिए और दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ साइज़ जो है और भी बड़ी लगी हुई है, कुछ साइज़ दोस्तों इधर भी आप देख सकते हैं, यहाँ तो बहुत ही परफेक्ट साइज लगी हुई है। तो चलिए इसे भी हम हार्वेस्टिंग कर लेंगे। और इस तरह से अगर आपके पास टेरेस है, जगह है,
तो यकीनन दोस्तों अपने घर पर बहुत सारे हम सब्जियां लगा सकते हैं। हमारे घर में बोरी भी होती है, वेस्टेज बोरी प्लास्टिक की, उससे आप ग्रो बैग बना करके बहुत सारे सब्जियां हम लगा सकते हैं। जो गार्डनिंग हम करते हैं इस पर कुछ वेजिटेबल भी हम ऐड कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कितनी ही हेल्दी है। और इतने सारे हमें पत्ता को भी फूल को भी और देख सकते हैं, और बाज़ार की तुलना में मार्केट की तुलना में दोस्तों ये काफ़ी स्वादिष्ट भी होगी, बेनिफिट्स होगी काफ़ी, इसमें अच्छे न्यूट्रिशन भी होंगे प्रॉपर, जो कि ऑर्गेनिक है और केमिकल की जो भी फ्रूटिंग होती है दोस्तों वो आपको खाने में उतने स्वादिष्ट नहीं लगेगी, जस्ट जो आप अपने घर पर ग्रो करते हैं। तो इस तरह से आप भी बहुत ही आसानी से दोस्तों अपने घर पर बहुत सारे सब्जियां उगा सकते हैं। इस तरह की वीडियो मैं आपके साथ इसलिए शेयर करता हूं कि आप भी काफ़ी आपके जोश में भर सकूँ। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इससे दोस्तों कोई भी सवाल आपके साथ या फिर कोई सुझाव है तो ज़रूर आप हमारे साथ शेयर करें, मैं समय निकाल के आपको ज़रूर रिप्लाई किया करूँगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू एंड टेक केयर।